अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद नौशीन इकराम। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूं मैं आप सबके लिए, उर्दू हरूफ तहज्जी की बड़ी और उर्दू हरूफ तहज्जी की छोटी अशकाल। उर्दू हरूफ में बहुत से ऐसे हर्फ हैं जिनकी एक से ज़्यादा अशकाल होती हैं। अक्सर स्कूल्स में या फिर बुक्स में भी आपने देखा होगा कि बच्चों को सिर्फ एक छोटी शक्ल करवाई जाती है हर हर्फ की, जबकि बहुत से ऐसे हर्फ हैं जिनकी एक से ज़्यादा छोटी अशकाल होती हैं। वो ना करवाने की वजह से जब बच्चे उर्दू पर रीडिंग की तरफ आते हैं या उर्दू लिखाई की तरफ आते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में देखिएगा। बहुत सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। बेहर्फ की छोटी मुमकिन अशकाल आपके सामने हैं। अक्सर स्कूल्स में क्या होता है कि बेहर्फ की जो है सिर्फ पहली शक्ल या फिर ये दूसरी शक्ल करवाई जाती है और तीसरी शक्ल को बिल्कुल ही उमिट कर दिया जाता है, बच्चों को आइडेंटिफिकेशन नहीं करवाई जाती। और जिसकी वजह क्या होती है कि जब बच्चे अल्फाज साजी पे आते हैं, लफ्ज़ बनाने पर आते हैं या लफ्ज़ पढ़ने पर आते हैं तो जिन अल्फाज में ये वाली शक्ल बे की इस्तेमाल होती है उन्हें वो लफ्ज़ पढ़ने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, वो उसमें उस बे को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। आइए मैं आपको मिसालों से भी वाजिया करती हूँ। बे हर्फ जब शुरू में आता है तो अपनी इन तीनों अशकाल में से कोई भी एक शक्ल जो है वो इख्तियार कर सकता है, जैसे कि बे बकरा में, बे बत्तख या फिर बे बुखार में। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे बे की ये तीसरी जो शक्ल मैंने आपको दिखाई थी एक तिरछी लकीर की तरह, एक लाइन की तरह, वही शक्ल यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँ। जब आप बच्चे को आइडेंटिफिकेशन करवा रहे हैं तो आपने सिर्फ बच्चे को ये तीन अशकाल दिखानी है और उससे लफ्ज़ में से उसमें से वो अशकाल वो ढूँढे, उसकी पहचान करवानी है। जो रूल अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो रूल आपने बच्चे को तब गाइड करना है जब बच्चा इनको अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर ले। उसके बाद बच्चा जब लिखाई में आता है तो आप उसे ये बता सकते हैं कि बे की जो ये तीसरी शक्ल है ये तब बनेगी जब बे हर्फ के बाद जीम की फैमिली का कोई हर्फ यानी कि जीम चे हे या खे आ जाए, या फिर मीम गोल है दो चश्मी है, इनमें से कोई हर्फ आता है बे के बाद तो बे की ये तीसरी जो एक तिरछी लकीर की तरह एक शक्ल है ये बनेगी। बे अगर दरमियान में लिखा जाएगा तो इस तरह, और अगर आखिर में लिखा जाएगा तो बे मुकम्मल लिखा जाता है। दूसरा हर्फ है पे। पे की छोटी अशकाल ये हैं, क्योंकि पे बे खानदान से ताल्लुक रखता है इसलिए उनके अशकाल में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ नुक्तों का फर्क है। और पे से शुरू होने लफ्ज़ शुरू जो होते हैं पे से, पास पौधा फल, दरमियान में सपाही, अगर सपाही में जैसे पे आया है दरमियान में लिखा जाए पे तो ऐसे आता है, लफ्ज़ के आखिर में अगर पे आए तो वो मुकम्मल आता है। ते लफ्ज़ भी मैंने आपको दिखा दिए ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए, आपके लिए आप अगर जब बच्चों को काम करवाते हैं तो आप इनके अलावा कोई लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको दिखाए हैं। टे टे की छोटी अशकाल, और टे जब लफ्ज़ के शुरू में आए, दरमियान में आए और आखिर में जब टे आता है तो किस तरीके से आता है। से जीन, लफ्ज़ जीम जो है हर्फ जीम जो है उसकी सिर्फ एक छोटी शक्ल होती है। जब वो लफ्ज़ के शुरू में आता है या दरमियान में आता है तो अपनी इसी छोटी शक्ल में आता है, जैसे कि लफ्ज़ जूता शुरू में आ रहा है यहाँ पे जीम, और दरमियान में जीम आ रहा है लफ्ज़ मजलिस के अंदर। जब आखिर में जीम आता है तो जीम मुकम्मल लिखा जाता है, जैसे कि लफ्ज़ फालिज। चे, अब यहाँ पे आपके साथ एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूँगी। मैंने इससे पहले उर्दू हरूफ तहज्जी को पढ़ाने के हवाले से एक वीडियो शेयर की है अपने चैनल में, जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी
मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, काइंडली उसको जरूर विजिट करें। उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से नुक्ते और तोई की पहचान के साथ बच्चों को हरूफ तहजी पढ़ाई जाए। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि जब बच्चे छोटी अशकाल में आते हैं तो बच्चों के लिए वही जो आइडेंटिफिकेशन है कि उन्हें पता है कि चे के अंदर तीन नुक्ते होते हैं, तो यहाँ पे भी चे के नीचे तीन नुक्ते हैं, क्योंकि जीम और चे की जो छोटी शक्ल है वो दिखने में बिल्कुल सेम है, सिर्फ नुक्तों का फर्क होगा। तो नुक्तों के फर्क से ही वो उसको पहचानेंगे। जब वो उर्दू हरूफ को पढ़ने में आएंगे तो उन्हें पता होगा कि उर्दू हरूफ में जो ये हर्फ है जिसके नीचे तीन नुक्ते हैं वो चे का छोटी शक्ल है। हे खे, खे भी इसी तरीके से शुरू में और दरमियान में अगर आता है तो अपनी छोटी शक्ल में आता है, और अगर खे आखिर में आता है तो मुकम्मल लिखा जाता है। सीन बिल्कुल जीम की खानदान की तरह सीन की भी एक ही छोटी शक्ल है, और शुरू और दरमियान में सीन अपनी छोटी शक्ल में लिखा जाता है और जबकि आखिर में सीन मुकम्मल आता है। शीन स्वाद की छोटी शक्ल, ज़ाद की छोटी शक्ल। आइन, आइन की ये तीन मुमकिना अशकाल हैं। जब आइन शुरू में आएगा तो अपनी पहली शक्ल में, जब दरमियान में आएगा तो अपनी दूसरी शक्ल इख्तियार करेगा, जबकि आइन जब आखिर में आएगा तो अपनी तीसरी शक्ल इख्तियार करता है। गाइन, फे, लफ्ज फे जो है, हर फे जो है वो भी बिल्कुल जीम की तरह एक ही छोटी शक्ल रखता है। शुरू और दरमियान में वो अपनी छोटी शक्ल में आता है और आखिर में वो मुकम्मल आता है, जैसे कि मुख्तलिफ में फे मुकम्मल आ रहा है आखिर में। काफ की भी दो छोटी अशकाल होती हैं और ये उसकी एग्जाम्पल हैं। लफ्ज लिखे हुए हैं काफ से, लफ्ज के शुरू में अगर काफ आएगा तो इस तरीके से आएगा। अगर लफ्ज काफ के बाद अलिफ आ रहा है तो काफ की ये वाली छोटी शक्ल लिखी जाएगी। सिर्फ लफ्ज अलिफ के साथ काफ की ये शक्ल लिखी जाती है, बाकी अल्फाज के साथ काफ की यही शक्ल, पहली जो शक्ल दी गई है ये लिखी जाती है, चाहे लफ्ज के शुरू में काफ आए चाहे दरमियान में आए, जैसे कि बकरा। आखिर में जब काफ आएगा तो वो काफ मुकम्मल लिखा जाएगा। गाव, लाम, लाम का भी सेम यही रूल होगा। लाम की एक ही छोटी शक्ल है इसलिए लफ्ज के शुरू में लाम आएगा तो अपनी छोटी शक्ल में आ रहा है, दरमियान में लाम आ रहा है तो लाम इस तरीके से अपनी छोटी शक्ल में आ रहा है, जबकि आखिर में लाम मुकम्मल लिखा जा रहा है। एक और चीज यहाँ पे लाम को लिखने का रूल है, लाम के बाद अगर अलिफ आता है तो अलिफ को लाम के ऊपर इस तरीके से लिखा जाता है। जब बच्चों को आप लिखाई तक लेकर आएंगे तब ये रूल आप बच्चों को बताएंगे, आइडेंटिफिकेशन में आप सिर्फ छोटी शक्ल की पहचान करवाएंगे। मीम, मीम की भी एक ही छोटी शक्ल है और लफ्ज लाम की तरह मीम भी शुरू में और दरमियान में अपनी छोटी शक्ल और आखिर में बिल्कुल मुकम्मल आता है। नून, लफ्ज नून की बिल्कुल बे के खानदान की तरह ही छोटी अशकाल होती हैं, फर्क सिर्फ नुक्ते का है, इसका नुक्ता, नून का नुक्ता जो है वो ऊपर होता है। नून में भी लफ्ज के शुरू में जब एक शुरू में आएगा तो ये तीनों अशकाल फॉर्म, तीनों अशकाल में आ सकता है। ये तीसरी अशकाल आप देख रहे हैं, तीसरी शक्ल आप देख रहे हैं निजात में, इसका भी सेम वही रूल है जो मैंने आपको बे के खानदान के लिए बताया था कि अगर इसके बाद नून के बाद जीम के खानदान का कोई हर्फ मीम या गोल है या फिर दो चश्मी है आती है तो नून को इस तरह एक तिरछी लकीर की तरह लिखा जाता है, दरमियान में नून इस तरीके से लिखा जाता है जबकि आखिर में नून मुकम्मल आता है। हे की ये तीन छोटी अशकाल हैं, शुरू में हे आएगा तो अपनी इस शक्ल में लिखा जाएगा, जबकि दरमियान में हे इस शक्ल में और आखिर में हे इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे कि अफसाना में। इसके अलावा अगर है शरारती हरूफ के बाद आता है तो वो मुकम्मल आता है।
छोटी ये की ये चार किस्म की छोटी अशकाल होती हैं। लफ्ज़ के शुरू में छोटी ये अपनी पहली तीन तरह की अशकाल में आ रहा है, जबकि लफ्ज़ आखिर में छोटी ये जो चौथी किस्म की छोटी अशकाल दी गई है, शक्ल दी गई है, वो शक्ल इख्तियार कर लेगा। बड़ी ये की भी छोटी ये की तरह ही अशकाल होती हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ, मैंने जिस वीडियो का भी इससे पहले जिक्र किया उर्दू पढ़ाई पढ़ाने के तरीके के हवाले से, उर्दू हरूफ तहज्जी को पढ़ाने के तरीके के हवाले से, उसमें मैंने जब उर्दू हरूफ तहज्जी को पढ़ाना सिखाया था तो छोटी ये और बड़ी ये के साथ ये दो नुक्ते भी दिखाए थे। इसकी वजह यही थी कि जब छोटी अशकाल में हम आते हैं तो इनके नीचे दो नुक्ते होते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दो नुक्ते कहाँ से आ गए। इसलिए मैंने हमेशा प्रैक्टिस रखी है कि मैं जब बड़ी अशकाल करवाती हूँ बच्चों को तो ये के नीचे ये दो नुक्ते ज़रूर लिखवाती हूँ। इसकी एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। ये अगर लफ्ज़ के शुरू में आ रहा है जैसे कि यास्मीन में तो अपनी पहली शक्ल, यूरोप में तो दूसरी, और यहाँ वर्ड में ये लफ्ज़ में तीसरी शक्ल इख्तियार कर रहा है। सेम रूल है कि ये के बाद हे आया है इसलिए इसने एक तिरछी लाइन की शक्ल इख्तियार की है। इसके अलावा अगर लफ्ज़ के आखिर में बड़ी ये आएगा तो वो इस चौथी शक्ल में लिखा जाएगा, दरमियान में ये इस तरीके से लिखा जाता है। उर्दू हरूफ़ तहज्जी के वो हरूफ जिनकी कोई छोटी अशकाल नहीं होती, इसीलिए इन अल्फाज को मैंने वीडियो के दौरान में इन हर्फ को मैंने वीडियो के दौरान नहीं दिखाया, सोचा कि एंड पे आपको वो सारे हर्फ दिखा दूँ जिनकी कोई छोटी अशकाल नहीं होती। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अल्लाह हाफिज़।